दोस्तों यदि आप भी मूवी के बहुत ही दीवाने हैं तो आपने भूल भुलैया 2 मूवी तो देखी ही होगी, जो आजकल सिनेमाघरों में काफी धमाल मचा रही थी। भूल भुलैया 2 एक ऐसी फिल्म है जिसमें VFX यानी कि ग्रीन बैकग्राउंड के आगे का सीन ना के बराबर है। यूं कहें कि इस फिल्म के लिए फिल्ममेकर्स ने लगभग 99% लोकेशन ओरिजिनल रखे हैं। ऐसा नहीं है कि विजुअल यूज नहीं किए गए हैं, भूत को ज्यादा भड़कीला और डरावना दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। इस फिल्म को देखते वक्त आप भी डर जाओगे, क्योंकि डायरेक्शन के साथ साथ एनिमेशन इफेक्ट भी इस फिल्म में कमाल का है। मैं आपको बता दूं कि भूल भुलैया 2 के पहले सीक्वेंस को प्रियदर्शन जी का डायरेक्शन था, जो कि एक मजे हुए कॉमेडी डायरेक्टर है। बट इस बार हमें सीक्वेंस के नाम पर केवल फिल्म का टाइटल ही मिला है और कुछ छोटे मोटे कास्ट ही देखने को मिले हैं, जो कि एक रिपीटेटिव है, क्योंकि भूल भुलैया 2 में नए कास्ट के साथ साथ डायरेक्टर भी बदला गया है। अब की बार अनीस बाजमी ने इसे निर्देश दिया है एंड उन्होंने इससे पहले रेड्डी और वेलकम जैसी हिट फिल्में भी बनाई है। भूल भुलैया 2 की शूटिंग 9 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट कर दी गई थी। इस फिल्म का ये सबसे पहला शूट है, यह एक सॉन्ग के लिए यहाँ पर शूट किया जा रहा है। उन्होंने अक्टूबर 2019 में इस पोशाक में देखा गया था, जो कि मुंबई फिल्म सिटी का ही आसपास का लोकेशन है और उसी ड्यूरेशन में वहां पर सॉन्ग शूट करा गया था। तो देखिए, मेनाली इस फिल्म की शूटिंग जयपुर, लखनऊ, मुंबई और हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसी जगह पर मुंजुलका को रिकॉर्ड किया जा रहा था। बैकग्राउंड में लाइटिंग इफेक्ट दिखाने के लिए बड़े बड़े बल्ब भी लगाए गए थे एंड इसी जगह पर क्लोजअप शॉट लेने के लिए कैमरामैन मौसम में मुंजुलका को रिकॉर्ड करते हुए नजर आ रहे हैं एंड वही तब्बू जी के आसपास सूखे पत्तियों को बिखेरा गया है और फिर इसके पीछे फैन की जोरदार हवा चलाई गई ताकि शॉट नेचुरल तरीके से लगे। भूल भुलैया 2 में किए गए काम के लिए अनीब बाजमी को काफी सराहना मिली है। आप उनके हार्डवर्क को यहाँ देख रहे हो, एक एक रोल को एक्सप्रेशन के साथ एक्टर को समझा रहे हैं एंड किसी भी सीन को शूट करने से पहले वो खुद करके बता रहे हैं, वो भी आप यहाँ देख सकते हो। पिछली बार की तरह इस फिल्म में भी छोटे पंडित के तौर पर राजपाल यादव को लिया गया है। यहाँ उनकी एक्टिंग आप देख रहे हो, फिल्म की शूटिंग से पहले उन्हें उनके कैरेक्टर में ढालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उनके कास्टिंग का सीन है, यह फिल्म सिटी के एक स्टूडियो में ही फिल्माया गया है। इस वाले कास्टिंग सीक्वेंस को फिल्म में दिखाए जाने वाले लोकेशन राजस्थान के जयपुर में स्थित समुदा गाँव का है। यहाँ पर समुदा पैलेस है। इस जगह पर मूवी का ये वाला सीन शूट हुआ है। इस जगह पर फिल्म का एक हॉरर सीन भी है। यहाँ पर पैर मुड़ने वाला सीन हमें देखने को मिला था, तो इस सीन को यह सामूहिक पैलेस को ही इसी लोकेशन पर नाइट में शूट करा गया था एंड आप इसी सीन को शूट होते हुए भी देख रहे हो। फिल्म में यह डरा देने वाला सीन ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल रियल है, बट आप देख रहे हो कि उसे रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरामैन क्लोजअप से उसकी शॉट ले रहा है एंड इसके अलावा एडिटिंग के वक्त उसमें एनिमेशन ऐड कर दिया जाता है ताकि और इफेक्टिव लग सके एंड आप सिनेमाघरों में डरे यह सीन देखकर, और यकीनन आप डर भी गए होंगे। यह सीन भूल भुलैया 2 फिल्म के टाइटल ट्रैक की शूटिंग का है। शूटिंग फिल्म के स्टार्टिंग में ही कर लिया गया था, क्योंकि फिल्म के मोशन पिक्चर और प्रोमो का यूज होना था। तो बेसिकली यह सीन 22 अक्टूबर 2019 का है। यहाँ देख रहे होंगे कि फिल्म के सेट पर कार्तिक आर्यन ने अपना बर्थडे भी मनाया था। उन्होंने डायरेक्टर और क्रू मेंबर के साथ में बर्थडे केक काटा और सेलिब्रेट भी किया एंड आप जहां पर ये लोकेशन देख रहे हो, यह लोकेशन ट्रैक टाइटल से शूट हुआ था। बेसिकली मुंबई सिटी फिल्म के एक स्टूडियो का सीन है। फिल्म का यह सीन आपने तब देखा होगा जब मंजुलका बाहर आ जाती है और यह फिर लोगों को परेशान करने लगती है और फिर कार्तिक आर्यन की आरा तब्बू एक बाबा को मिलने जाते हैं। तो बाबा जिस भी जगह पर दिखाए गए हैं, यानी जो ये लोकेशन है जहां पर बाबा दिखाए गए थे, वह इस कुंड के लोकेशन का सीन है जहां पर यह सीन शूट किया गया था। तो एक्चुअली सीन की शूटिंग राजस्थान के पन्ना मीना कुंड में हुआ था एंड ये लोकेशन अमीर के रास्ते पर पड़ती है। यह सीन कुंड के दूसरी तरफ से शूट करा गया था। यहाँ कैमरामैन एंगल काफी लो रखा गया था, जैसा कि हॉरर टच मिले। तो यह वह सीन है जिसे आप यहाँ पर देख रहे हो। यह शूटिंग लोकेशन जयपुर का है। यहाँ आपको अजमेर के रास्ते में ही देखने को मिल जाएगा। वह रास्ते में बहुत सारे किले हैं, जिनमें से आपको यह मिरर टेम्पल भी दिखाई देगा। बेसिकली इस जगह पर फिल्म का वह सीन दिखाया जा रहा है जब मंजुलका और अंजुलका के पिता उन्हें इस जगह पर यानी कि टेम्पल पर लेकर आते हैं। यह शूटिंग लोकेशन भी इसी मिरर टेम्पल का है। तो यहाँ पर इस जगह पर मंजुलका का भी जो भी है, यहाँ से वो भाग जाती है। तो यह वाला सीन भी आपको इसी जगह पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे होगे कि इस स्क्रीन शॉट में जो आपको गुंबद दिखाई दे रहा है दोनों जगह पर, वो बेसिकली सेम है। मंजुलका के वहां से जाने के बाद उनके पापा भी उनके पीछे आ जाते हैं। तो आपको यहां पर सीढ़ियों वाला जो सीन दिखाया गया है मूवी में, जो इस टेंपल के सीढ़ियों पर शूट किया गया है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो भूल भुलैया जो फर्स्ट वाला चैप्टर है अक्षय कुमार की, तो इस लोकेशन पर भी उनका इस मूवी का शूट कुछ हिस्सा हुआ था, यानी 2007 वाले की मैं बात कर रहा हूं। अब बढ़ते हैं आगे एंड ये लोकेशन उत्तर प्रदेश का है, तो इस लोकेशन के बारे में जानते हैं। तो यहां सीतापुर के जिले महमूदाबाद का है एंड मैनाली वाली लोकेशन जहां पर फिल्म के इस वाले पार्ट की शूटिंग हुई है, वो महमूदाबाद के अमीर हसन खान राजा के किले का सीन है।
एंड मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का मैक्सिमम पार्ट इसी लोकेशन पर शूट हुआ है। यहाँ पर इस फिल्म के लिए हवेली की मरम्मत कराई गई थी एंड ऊपरी वर्क भी कराया गया था और साथ ही साथ एक अलग से सेट भी तैयार किया गया था जिसके अंदर कुछ इंटीरियर वाला सीन भी शूट करा गया था जिसे आप इस मूवी में इस जगह पर देख सकते हो। इस बीटीएस वीडियो में इस जगह पर कार्तिक आर्यन कियारा के साथ हवेली में एंटर करते हैं। यहाँ पर उन पर क्रो आकर लिपट जाता है तो एक्चुअली ये वाला सीन उस पर फेंकने वाला जो सीन है कुछ इस तरह से शूट करा गया था। यह क्रू मेंबर द्वारा उसके ऊपर क्रो फेंका जाता है और उसको कैमरामैन बखूबी रिकॉर्ड भी कर रहा है एंड ये वाला सीन भी इस महमूदाबाद पैलेस का है। तो इसी तरह से भूल भुलैया की शूटिंग की गई थी और कुछ इंटरेस्टिंग और ऐसे इफेक्ट शूटिंग को किए गए थे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।